आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। आदमी कोई पत्थर नहीं है कि एक बार जैसा बन गया जिंदगी भर वैसा ही बना रहेगा। जब एक डाकू वाल्मीकि बन सकता है, तब तक हर डाकू के लिए ये उम्मीद है कि वो भी वाल्मीकि बन सकता है। भाई, मेरा सर न हुआ कुतुब मीनार हो गया जो मेरे सर पर चढ़कर बैठेगा। क्या किया है उसने? कॉलेज में तुम्हें सिर्फ अग्रवाल की लड़की मिली थी, दूसरी लड़कियां नहीं थी। खबरदार जो फिर उससे मिलने की कोशिश की तो। दोस्तों, पुराने जमाने के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि फला डॉक्टर के हाथ में, हकीम के हाथ में, वैद के हाथ में बहुत ज़्यादा शिफा है। शिफा का मतलब ये होता है कि वो जिसका इलाज करते हैं वो बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। और आज जिस अदाकार की मैं बात कर रही हूँ, उनकी अदाकारी में बहुत शिफा थी। मतलब ये कि जब भी लोग उनको देखते थे तो वो अपनी तकलीफ भूल जाते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और वो थे मशहूर करेक्टर एक्टर शफी इनामदार। बेगम, हमारा वो कोट कहाँ है भाई? चूल्हे पे रखा होगा। चूल्हे के अंदर क्यों नहीं डाल दिया? अजी, डाला था, मगर तुम्हारे इस काले कोट से आग भी कतराती है। अरे बेगम, शराफत अली का कोट है, किसी बदकुमाश का नहीं है। अब देखो, देर हो रही है, हमें जल्दी नाश्ता करा दो। तेईस अक्टूबर 1945 में पैदा हुए थे शफी इनामदार, रत्नागिरी में, जो महाराष्ट्र में है। लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की मुंबई में केसी कॉलेज से। एक्टिंग करने का शौक उन्हें बचपन से था, इसलिए वो अपने स्कूल और कॉलेज के ज़माने में प्लेज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। और यही वजह थी कि एक्टिंग की बुनियाद बचपन में ही बहुत मजबूत हो गई थी। अरे वारे मेरे नकली खिलौने, बनाने वाले ने भी तुझे क्या सोच समझ कर बनाया है। आज अगर तू नहीं होता तो मेरे पेट में वो 12 इंच का खड्डा होता। थैंक यू, थैंक यू। शफी इनामदार सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, वो डायरेक्टर भी थे। और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी गुजराती थिएटर की मशहूर हस्ती प्रवीण जोशी की निगरानी में। शफी इनामदार कहते थे कि मेरी एक्टिंग में और मेरी डायरेक्शन में निखार आया उस वक्त जब मेरी मुलाकात हुई बलराज साहनी जी से और मैंने इप्टा ज्वाइन कर लिया। इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। तुमने जिस दौलत के लिए मुझे तड़पाया, मेरी मोहब्बत का गला घोटा, आज वही दौलत मेरी है, मेरी। और मैं ये सारी दौलत तुम्हें तड़पाने के लिए खर्च कर दूंगा। तुम इतने नीच हो सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये तो आगाज है, अंजाम होने तक जो कुछ देखोगी वो भी तुमने कभी सोचा नहीं होगा। शफी इनामदार का करियर रंगमंच पे दौड़ा चला जा रहा था और उसमें चार चांद लग गए 70s के दौर में, जब उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स ज्वाइन किया और उसके लिए कई बड़े बड़े प्लेस प्रोड्यूस भी किए और डायरेक्ट भी किए। उनका हौसला बढ़ गया और 1982 में उन्होंने अपना थिएटर ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा हम प्रोडक्शंस। ये तो सभी जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वीराज जी के बाद पृथ्वी थिएटर को संभाला उनके सबसे छोटे बेटे शशि कपूर ने। शशि कपूर शफी इनामदार की एक्टिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और फौरन अपनी फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया बहैसियत एक्टर, और उस फिल्म का नाम था विजेता। और उस फिल्म के डायरेक्टर थे गोविंद नहलानी। कि जिंदगी के किसी कोने पर हमने अपनी छाप छोड़ी है या नहीं, और अगर हमने छाप छोड़ी है तो मौत के बाद भी जिंदगी से जुड़े तो रहते ही हैं हम। मौत एक सच्चाई है वेंकट, अगर जीने की जिद रखनी है तो मौत को देखो,
उसके पूरे नंगेपन में देखो। उसी दौर में गोविंद नहलानी एक और फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था अर्ध सत्य, और उस फिल्म में उन्होंने शफी इनामदार को एक बेहतरीन रोल दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं ये दुनिया किस चाल से चलती है, फिर आप होते कौन ये पूछने वाले कि क्यों इस तरह से चलती है। शफी इनामदार कहते थे कि एक्टिंग मेरी जिंदगी है और मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं एक्टिंग कहाँ कर रहा हूँ, थिएटर पे कर रहा हूँ, फिल्मों में कर रहा हूँ या फिर टीवी सीरियल में। और दोस्तों हम आपको बता दें कि 1984 में टेलीविजन पे उनका एक बहुत मशहूर सीरियल आया था जो बहुत कामयाब रहा था, और उस सीरियल का नाम था ये जो है जिंदगी, और शफी इनामदार के साथ थी स्वरूप संपत। दोस्तों 80s का दौर शफी इनामदार के लिए बहुत बहुत मुबारक साबित हुआ, और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने उसी दौर में मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर B.R. चोपड़ा की कई फिल्मों में काम किया जो लोगों को बहुत पसंद आया, खास तौर पे आज की आवाज़, अवाम और दहलीज। बैठे बिठाए आपको रॉबिन हुड पकड़ने की क्या सोचे साहब, वो तो अच्छा काम कर रहा है, हमारा काम कर रहा है, पुलिस का काम कर रहा है, करने दो उसे, वो काम करेगा, हम चाय पीते हैं, मूंगफली खाएंगे, आप तुम ये खाओ। सर साहब जो काम आप पिछले 25-25 साल में नहीं कर पाए इसने 10 दिन में कर दिखाया। हम अगर मुजरिमों को पकड़ लेते हैं, गुंडों को पकड़ लेते हैं तो हमारे पास सबूत नहीं होता, सबूत होता है तो कोई गुंडे का बाप ऊपर से पैदा हो जाता है जो ऊपर से सिफारिश लेकर आता। शफी इनामदार दिलीप कुमार के जबरदस्त फैन थे और उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि दिलीप साहब के साथ आमने सामने उन्हें काम करने का मौका भी मिला, और उस फिल्म का नाम था इज्जतदार। हाँ तुमसे कह रहा हूं, 3 दिन लगे तुम्हें श्रीनगर से यहां पहुंचने तक, फासला तो सिर्फ 1 दिन का था। हवाई जहाज और ट्रेनें कोई मेरी मर्जी से तो चलती नहीं है भले आदमी। मुझसे छुपाकर लाइसेंस कोटे का माल तुमने ब्लैक मार्केट में बिकवा दिया और हथकड़ियां मुझको लगवा दी। अगर मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा था तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हारे रास्ते से खुद ही हट जाता। तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो भ्रमगत। 1995 में शफी इनामदार डायरेक्टर बन गए और बहसीयत डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म का नाम था हम दोनों, और उसमें एक्टर थे नाना पाटेकर और ऋषि कपूर। शफी इनामदार ने लव मैरिज की थी, उनकी बीवी महाराष्ट्रियन थी और उनका नाम था भक्ति बरुए। वो अदाकारा भी थी और दूरदर्शन पे न्यूज रीडर भी। एक्टिंग और डायरेक्शन करने के अलावा शफी इनामदार को क्रिकेट मैच देखने का और खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। 13 मार्च 1996 में वो अपने घर पे रिलैक्स कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे और टेलीविजन पे क्रिकेट मैच देख रहे थे, इंडिया और श्रीलंका का सेमीफाइनल मैच देख रहे थे। अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि उनकी डेथ के 5 साल बाद यानी 2001 में उनकी बीवी भक्ति बरुए भी ये दुनिया छोड़ के चली गई एक कार एक्सीडेंट में। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। मैं थोड़ी सी इमोशनल इसलिए हो गई क्योंकि भक्ति बरुए के साथ टेलीविज़न पे मैं लगभग 20 साल तक काम करती रही, वो न्यूज़ रीडर थी और मैं फूल खिले हैं गुलशन गुलशन करती थी। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और करते रहिए सब्सक्राइब।